तो वेरी गुड इवनिंग, आई एम ऑडिबल। स्वागत है सभी का IFS के इस प्लेटफॉर्म पे। फटाफट से जुड़ जाइए। आज के लेक्चर में हम बात, कल के लेक्चर में हमने क्या बात करी थी, ग्रेविटेशन फील्ड एंड वेरिएशन ऑफ जी, ये कल का लेक्चर था। आज हम बात करेंगे कैपलर लॉ पे और कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप CUET PG 2024 का एग्जाम देके आए हैं तो अपना जो रिजल्ट है वो आप इस नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं, 9226513396 पे आप अपना रिजल्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे सारे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट से जुड़ जाइए, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात क्या करेंगे, बेसिकली आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैपलर लॉ पे। कल हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा वो जाके लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है वो जाके लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। और इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आपने CUET PG का पेपर दिया है तो वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर लीजिएगा सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह के बारे में, IFSonline.com पे जाके, और रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। आज हम बात करते हैं प्लैनेट्स एंड देयर मोशंस पे, राइट। प्लैनेट्स जैसे ये वाला जो सवाल था ये हमने कल किया था, इस पे हमने, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देख लेना, ये बहुत बेहतरीन सवाल हमने कल के लेक्चर में सॉल्व किया था, ये बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है, तो जरूर देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कुछ नियम्स के ऊपर और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे फिर, ठीक है, ध्यान से देखना। कुछ जो कैपलर लॉ है उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बढ़िया लेवल के, जैम से बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बट पहले हमको थ्योरी समझ में आनी चाहिए कि सर इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहला नियम होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या होता है सर? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट हमसे क्या कहता है सर? लॉ ऑफ ऑर्बिट ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, जहां पे उनके फोके पे क्या है, सन है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, बेसिक लॉ, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑल द प्लैनेट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट विद विद द सन एज वन ऑफ इट्स फोकी। ये तो बहुत बेसिक नियम हो गया, यहां से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप ये तीनों नियम को पढ़ लीजिए एक बार। एक बार थोड़ा सा समय दे दीजिए पेशेंस के साथ, जब क्वेश्चन आएंगे वो बहुत बढ़िया सवाल होंगे। तो ये तो बहुत बेसिक नियम हो गया कि ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन ऑफ एस वन ऑफ इट्स फोकी। जो दूसरा नियम है और जो तीसरा नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम और तीसरा नियम आपको समझना पड़ेगा, यहां से जैम में क्वेश्चन आए हुए भी है, इसलिए मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताता हूं। जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या है, लॉ ऑफ एरियाज, राइट। लॉ ऑफ एरियाज, ये एक इंपॉर्टेंट नियम है, यहां से आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा अभी, जस्ट थोड़ा सा लिख लीजिएगा पहले। लॉ ऑफ एरियाज दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर, राइट। मान लो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां से यहां तक आप इसको जोड़ दो, यहां पे मान लो एक फोके है, यहां पे सन है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज डी थीटा, और ये डिस्टेंस हो गया आपका आर डी थीटा एंड दिस इज डिस्टेंस आर। तो ये जो लॉ ऑफ एरिया क्या कह रहा है, ये जो रेडियस है फ्रॉम यू आर ड्राइविंग इट फ्रॉम फोकी जहां पे सन है, वो क्या कर रहा है, इक्वल एरिया स्वाइप कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो क्या कह रहा है, ये जो रेडियस है यू आर ड्राइंग इट इज स्वाइपिंग इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। क्या कर रही है, इक्वल एरिया स्वाइप कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर इसके बाद कंक्लूजन क्या आएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या कह रहा है, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन फ्रॉम
फ्रॉम द सन एट द फोकस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट टू द प्लेनेट, ऐसे कह सकते हो, एट द फोकस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो इसका बेसिक स्टेटमेंट हो गया, राइट। द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन, जो आपने ये रेडियस वेक्टर निकाला है, ये क्या कर रहा है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है सर, ध्यान से देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन एट द फोकस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पे इससे क्या कंक्लूजन अपन निकाल पाएंगे, मैंने बोला कि एरिया यहां पे बेसिकली क्या है, ये मान लो मैं इस एरिया को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला एरिया, दैट इज ए एस बी, एरिया ए एस बी, मान लो मैं इस एरिया को कंसीडर कर रहा हूं, एरिया ए एस बी, कौन से एरिया को अपन कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपन डेरिवेशन करते हैं इसका और यहां से देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। दिस इज एरिया ए एस बी, कौन सा एरिया है सर, ए एस बी का एरिया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट भैया, लेक्चर को शेयर कर दो अपने सारे मित्रों के साथ अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। लेक्चर को बेटा लाइक और शेयर करते रहना, अगर आपको समझ में आ रहा हो, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आई एम ऑडिबल और नॉट, ठीक है। हेलो अंकुश जी, क्या हाल है आपके, मेरी आवाज पहुंच रही है ना, ठीक है, मुझे लग रहा है आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी, है ना भाई। चलो, तो मैंने बोला कि सर अगर मैं इस एरिया की बात करूं, कौन से एरिया की बात करूं सर, एरिया ए एस बी, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, इस ए एस बी एरिया की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करूं, ये जो स्टेटमेंट है इसने क्या बोला, स्वाइप रेडियस वेक्टर, यहां पे जो रेडियस वेक्टर है dr, dt, dt टाइम में कितना एरिया लेगा वो देखते हैं, dt टाइम में कितना एरिया स्वाइप करेगा, तो da जो होगा वो क्या होगा, 1 बाई टू इंटू आर इंटू आर डी थीटा, क्योंकि एरिया कैसे निकालते हो आप, शॉर्ट में बता देता हूं, इधर साइड में da इज इक्वल टू 1 by 2 r square d theta upon dt। तो अगर आप इस तरह से एरिया निकालने की कोशिश करोगे, यहां पे dt आएगा, तो जो आपका एरिया बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 1 by 2 omega r square dt, right? क्यों, क्योंकि d theta by dt is what, omega, तो this is omega r square dt। अब आपको एक चीज पता होगा कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है, That is area divide by time. Area velocity क्या है बेटा, area divide by time, right? Area divide by time. तो that is da upon dt. तो यहां से अगर आप इस equation से da upon dt निकालोगे तो वो कितना आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, ये आ रहा है। अगर मैं इस equation से da by dt निकालूंगा तो कितना आ रहा है, हाफ ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहां से आपका area velocity कितना आ गया, हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, ये तुम्हारी area velocity आ गई। This is your aerial velocity, जहां पे आपको पता है कि ओमेगा आर स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। यही सेकेंड नियम का बेसिक इंपॉर्टेंट है, कि सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर क्या कहता है, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार एग्जाम में आपको इसका पूछा था कि सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर का जो है किस पे बेस्ड है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज निकल रही है उससे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आर अगर डिक्रीज करेगा तो बाई डिफॉल्ट ओमेगा इंक्रीज करेगा, तो आपका टोटल जो होगा ओमेगा आर स्क्वायर वो कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट। तो इसीलिए है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर, या फिर यू कैन से लॉ ऑफ एरिया, कुछ भी नाम आप दे सकते हो इसको, सेकेंड लॉ ऑफ कैपिलर या यू कैन से लॉज ऑफ एरिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि सेकेंड लॉ ऑफ कैपिलर का सेकेंड जो नियम है वो क्या कह रहा है, कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वहां से निकल के आ रही है, एरियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ कैपिलर या फिर लॉ ऑफ एरिया। अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, थर्ड लॉ से अभी आपके सीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं,
सीट का जो पेपर हुआ 2024 का, वहां से भी, वहां पे भी जो है थर्ड लॉ ऑफ कैपलर से क्वेश्चन आए हैं। तो थर्ड नियम क्या है, सेकंड नियम आपको मैंने बता दिया, तीसरा लॉ क्या है उस पर हम बात करते हैं, राइट। तीसरा लॉ जो है अपना वो क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, सेकेंड और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला फर्स्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं एक पल के लिए, बट सेकेंड और थर्ड से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मजा आएगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स, राइट। इसमें यह क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें यह कह रहा है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कह लो, या फिर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कह लो, कुछ भी कह लो, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू the cube of mean distance of plan of the planet from sun। Square of time period of revolution of a planet is proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। सन से उस प्लेनेट का मीन डिस्टेंस कितना है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड पता है कि एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, बदलाव अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप चाहते हैं 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ पूरा लाइव कोर्स ज्वाइन करना तो इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरा का पूरा कोर्स केवल 5,000 में मिल रहा है 50% ऑफ के साथ 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। वैसे ये कोर्स आपका 10K का है, बट अभी आपको इस पे ऑफर चल रहा है बदलाव का। जो भी बच्चे IIT जन 2025 को टारगेट कर रहे हैं या फिर CUET PG 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं अच्छी प्रिपरेशन है, गाइडेंस में प्रिपरेशन, और चाहते हैं कि अगले साल आपका एग्जाम क्रैक हो, तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि CUET PG की भी टॉपर है, IIT JEE की भी टॉपर है। कोर्स 9 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी केवल 5K में। कोड यूज करना है बदलाव, क्या यूज करना है, बदलाव, ठीक है। चलो तो अब हम यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या फिर आप ऐसे कह सकते हो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। यहां से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब, दिस इज द बेसिक। T इज द स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब। व्हाट इज A? A इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। एंड व्हाट इज T? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब यहां से जो क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं भाई, एकदम मस्त वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले, बेहतरीन वाले क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप जैम के लेवल के क्वेश्चन तो आप बहुत प्यार से बना पाएंगे, क्योंकि मैं आपको कोई अभी PYQ नहीं करा रहा, अभी मैं आपको एक ऐसे लेवल पर तैयार कर रहा हूं, बेसिक है, स्टार्टिंग है, ताकि आप अभी से बेहतरीन बेहतरीन सवाल स्टार्ट कर दें, ताकि जैम के क्वेश्चन तो आपसे प्यार से बनने लगे। तो ये मैंने आपको तीनों लॉ बता दिए, थ्योरी आज के लेक्चर की है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और थ्योरी जो है वो एड ऑन करेंगे इसमें, बट पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस का फ्लेवर देना चाहते हैं। तो सभी लोग तैयार हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको तीनों नियम समझ में आ गए, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट इज वेरी बेसिक, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, एग्जाम में नहीं पूछा जाता बट पता होना चाहिए। लॉ ऑफ पीरियड एंड लॉ ऑफ एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ एरिया है, जहां से एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन का कंक्लूजन निकलता है। थर्ड लॉ है वो क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब हम जो क्वेश्चंस देंगे वो आपको बढ़िया बढ़िया, एक दो एक सवाल दूंगा, बहुत बेहतरीन सवाल दूंगा, मजा आ जाएगा। रेडी हो क्या सभी लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या सभी लोग तैयार हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी को कोई डाउट है यहां तक बोलिए, यस और नो। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो भाई।
एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को आप करिए। द प्लैनेट नेपच्यून, सिंपल क्वेश्चन दूंगा, मैं कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा, डोंट वरी अबाउट कि बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन आपको पहला दे दिया जाएगा। द प्लैनेट नेपच्यून अच्छा, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन भी किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था, ये किस पे बेसिस था कि यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस ए इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एम एंड ऑफ इक्वल रेडियस, द सेंटर ऑफ द रिंग एज अ डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो क्वेश्चन था ग्रेविटेशन फोर्स पे बेसिस था, जिन लोगों ने नहीं देखा इसको जरूर देखना। और आज के लेक्चर में हमने जो बात करी है ये वाला क्वेश्चन तो था। यह क्वेश्चन में आपका सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा था ग्रेविटेशन का, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेबल था क्योंकि आपसे पूछा गया था किस क्या रफ्तार होगी ताकि वो जो हो पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही रहे, बाहर ना निकल पाए। ये थोड़ा सा ट्विस्ट यहां पे कर दिया गया था, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। इसमें हमने क्या देखा था, ये सब चीजें करी थी, ये वाला इस तरह से था ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल है, आपको ये बताना था कि ये किस वेलोसिटी से यहां पे रहेंगे कि ये सर्कमस्क्राइबर से बाहर ना निकले, यहां पे प्रिजर्विंग हो पाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही रहें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं क्वेश्चन देने से पहले आपको बता देता हूं कि अपना रिजल्ट यहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आप सीट पीजी के एस्पिरेंट है तो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैं क्वेश्चन तो करा दूंगा, बट कई बच्चों का डाउट रहता है कि मैं आईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, बट सर मेरे को क्या है, सर मेरे को पता ही नहीं आईटी जेम का सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, प्रीवियस ईयर का है ना पेपर कहां मिलेंगे। तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं बेटा, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, कहीं जाना ही नहीं है, किसी वेबसाइट पर नहीं जाना है, आईएफएस की वेबसाइट पर जाओ, फ्री में सारी चीजें लेके जाओ, सारे साल के पेपर आपको एक साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग गूगल पे डालना है कि भैया 2023 का पेपर दे दे, पेपर का एनालिसिस करके डाल रखा है टीम ने, कि हम लोगों ने पूरा एनालिसिस दे रखा है उनको कि कौन से टॉपिक से किस साल में कितने सवाल पूछे गए। क्योंकि अगर आप एक फ्रेश एस्पिरेंट हो तो आपको ये सब चीजें पहले जरूर कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, आपको कैसे पता लगेगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर का एनालिसिस करके, आपको नहीं करनी, ऑलरेडी एनालिसिस हमने कर दिया, आपको जाके बस वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर लेना, देख लेना, डाउनलोड कर लेना, फ्री में आप आईएफएस की वेबसाइट पे जा सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, एग्जाम के कट ऑफ पैटर्न, सिलेबस एनालिसिस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे कुछ। तो ये सारी चीजें बेटा जरूर एक्सप्लोर किया करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही बनाई जाती हैं। अगर इसको भी आप नहीं ले रहे हो फ्री में तो फिर गलत बात है, फिर आप इधर उधर भटकते रहते हो कि सर मेरे को पेपर का एनालिसिस नहीं मिल रहा, सर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। अरे कहां से बता दें इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे तो बेटा आपको डाल रखे हैं वेबसाइट पे, पेपर का एनालिसिस डाल रखा। ये जो पेपर का एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एस्पिरेंट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीट पीजी के पेपर बच्चों को मिलते ही नहीं है, सारे साल के बच्चे बोलते हैं सर पेपर कहां से लाए, आईएफएस ने रिसर्च करके सारे के सारे पेपर सीट पीजी के एक जगह पर डाल रखे हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए अभी से, अगर आप सीट पीजी 2025 के एस्पिरेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा था, बहुत सिंपल सा सवाल दे रहा था, बढ़िया सवाल दे रहा था, बहुत बेसिक, प्लैनेट नेपच्यून ट्रेवल्स अराउंड द सन, मेरा पीरियड ऑफ वन सिक्सटी फाइव ईयर्स, 165 साल का पीरियड है नेपच्यून जो है सन के अराउंड घूम रहा है विद अ पीरियड ऑफ 165 ईयर्स, शो दैट द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ ऑर्बिट। बोथ बींग कंसिडर्ड ए सर्कल, अब चलो इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ सवाल है, आपको एक प्रूफ करने के लिए मैंने दिया है,
प्लैनेट नेपच्यून ट्रेवल्स अराउंड द सन विद अ पीरियड ऑफ 165 ईयर्स। एक नेपच्यून है जो कि क्या कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड है 165 साल। शो दैट द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सिमेटली 30 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ ऑर्बिट। आपको ये बताना है नेपच्यून की जो रेडियस है वो 30 गुना है अर्थ की रेडियस से। बहुत बेसिक थर्ड लॉ पे नियम, कैपलर के थर्ड लॉ पे सवाल है बेस्ड। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर के थर्ड नियम पे ये सवाल बेस्ड है पूरा का पूरा। कैसे करेंगे सर, देखिए जरा इसको ध्यान से। अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ, हमें पता है दिस इज द रिलेशन राइट, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो हमको कुछ नहीं करना है, मान लो हमने बोल दिया टी अर्थ और टी नेपच्यून हमको दो दो लेने, हमको गिवन क्या है, टी नेपच्यून गिवन है दैट इज 165 ईयर, और टी अर्थ आपको क्या है लेना, कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो आपको नहीं पता दिया है तो कोई बात नहीं, वैसे तो पता रहता है कि 24 है, बट हम अभी नहीं लेंगे, बाद में पुट करेंगे ठीक है फाइनल ध्यान से। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन क्यू अपॉन आर टू क्यू। हमको चाहिए क्या, हमको रेडियस ऑफ नेपच्यून चाहिए दैट इज आर टू। मान लो हमने आर टू रेडियस ऑफ नेपच्यून को बोला ठीक है, तो आर टू क्यूब इज इक्वल टू आर वन क्यूब टी टू स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर। तो आर टी क्यूब इज इक्वल टू आर वन क्यूब इंटू 165 का होल स्क्वायर टी वन। मान लेते हैं अर्थ का टाइम पीरियड मैंने वन ले लिया, चलो ठीक है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट वन ले लिया। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 65 का स्क्वायर क्यूब करोगे तो 30 टाइम्स आ जाएगा आर वन के। ये सब कुछ उधर लेके चलो मैं फाइनल कर ही देता हूं। इट इंप्लाइज दैट आर टू इज इक्वल टू 30 टाइम्स आर वन, यहां से आपका प्रूफ हो जाता है। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ यू नो कैपलर, कैपलर के थर्ड नियम पे बेस्ड है। चलो अब मैं आपको एक सवाल और देता हूं प्यारा सा, यहां तक की चीजें क्लियर है। एक बढ़िया सवाल देता हूं, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ चलो अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज यू नो जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कल के टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगा पहले। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर,
देन द हाइट एट विच जी बिकम 1/4। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था कि आप कैसे जी की वैल्यू अलग अलग हाइट और डेप्थ पे निकाल सकते हो। आपको बताया गया किस हाइट पे जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, तो आपको वो हाइट निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस हाइट पे जी की वैल्यू जो है 1/4 हो जाएगी, अपन को ये हाइट निकालनी है। वो हाइट क्या होगी जहां पे जी की वैल्यू 1/4 हो जाए। तो हमने क्या देखा था, कल ही एक फॉर्मूला पढ़ा था जी डैश इज इक्वल टू जी। बेसिकली हमने देखा था कि जो जी होती है हमारी सरफेस वो कितनी होती है, जीएम बाई आर स्क्वायर होती है। बट हम हाइट पे जाते हैं तो कितनी हो जाती है, जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। ये हमने देखा था। फिर हमने यहां से इसको और कैसे ड्राइव किया था, हमने यहां पे ये भी देखा था कि अगर आप क्या करो, ऊपर नीचे ऐसा कर दो, आर स्क्वायर बाय जीएम कर दो, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, और यहां से आपका आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो यहां से आप कह सकते हो आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, इधर आप लिख लो इसको, 2 आर का होल स्क्वायर लिख लोगे तो आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो एच प्लस आर आ जाएगा ये, और ये 2 आर आ जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा एच इज इक्वल टू आर। आंसर क्या आ जाएगा इसका, एच इज इक्वल टू आर। तो एच इज इक्वल टू आर जब होगा तब आपका जो जी डैश होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओरिजिनल का जी का 1/4 हो जाएगा, 9.8/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। चलो अ पेयर ऑफ स्टार रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास वन ऑफ देम has mass m and the other 2m, their centers are at a distance d apart, d being large compared to the size of either star। अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पे आप सोच सकें थोड़ा सा, ठीक है। अब पेयर ऑफ स्टार रोटेट अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास, दो पेयर मतलब दो स्टार हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, वन ऑफ देम हैज मास m एंड द अदर हैज मास 2m, देयर सेंटर्स आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, वेयर d बीइंग लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ द स्टार्स। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। पूछा क्या गया है, फाइन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, ऑफ स्टार्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूं, मुझे बताइए फाइंड देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टार्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको टाइम पीरियड बताना है, सोच के देखिए।
कैसे निकाला जाए टाइम पीरियड? अब कहीं ना कहीं अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है तो टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, पहले तुमको ये ओमेगा पता करना पड़ेगा। अगर तुम ये ओमेगा निकालने में सक्षम हो गए तो इजिली यू कैन फाइंड टाइम पीरियड। अब देखो बेसिकली क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये आपको बात बताई गई, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, या फिर यू कैन से एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये आपका क्या होगा, कंजर्व होगा। और काइनेटिक एनर्जी कैसे गिवन होती है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपको ओमेगा निकालना है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अब यहां पे सिंपल सी बात है, अगर प्लेनेट मूव कर रहा है इस तरह से, मान लो इस तरह से दो स्टार है, ए एम है, ये 2m है, ठीक है, और इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां कहीं पे है, और ये इसके अबाउट इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे मान लो है, यहां से सेंटर ऑफ मास से डी बाई थ्री पे, 2d/3 पे, तो आपको पता ही है दो पार्टिकल होते हैं। तो अगर ये मूव कर रहे हैं तो यहां पे सेंट्रीपेटल एक्सलेशन होगा जो उनको रिवॉल्व करा रहा होगा सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर मैं यहां पे क्या करूं, दिस ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी उसको सेंट्रीपेटल एक्सलेशन के बराबर, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम 2m अपॉन डी स्क्वायर। आर क्या है यहां पे, 2d/3 है, जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, राइट, दैट इज द सिचुएशन। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करके देखूं तो यहां से क्या निकल के आएगा, m से m कटेगा और कुछ कटेगा, और तो कुछ नहीं कट रहा, आपको ओमेगा चाहिए, बेसिकली आपको चाहिए क्या, ओमेगा चाहिए, डी से डी भी मरेगा, देखते हैं कैसे मरेगा। तो यहां से तुम्हारा जो ओमेगा निकल के आएगा अंडर रूट 3gm अपॉन डी क्यूब आएगा, क्योंकि ये वाला जो डी है मरेगा नहीं, ये डी जो है बेटा आपका बेसिकली नीचे आ जाएगा तो डी क्यूब बन जाएगा, राइट, बट टू, हाँ टू इधर टू था ना, सॉरी 2m, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3gm, और नीचे आपका डी आ जाएगा तो डी क्यूब हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओमेगा, तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू 2π अपॉन अंडर रूट 3gm अपॉन डी क्यूब, या फिर ऐसे कह दो टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट डी क्यूब अपॉन दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इसी सवाल में मैं और भी चीज वापस से बना के पूछ सकता था, काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करो, एंगुलर मोमेंटम कंपेयर करो, यू कैन डू इट, बट मेन था टाइम पीरियड आप कैसे निकाल सकते, तो इस तरह से आप टाइम पीरियड निकाल सकते थे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है, पूछो क्यों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बिकॉज ग्रेविटेशन सिंपल एनालॉजी लेता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अगर आपने, आपका इलेक्ट्रोस्टैट अच्छा है, आपने इलेक्ट्रोस्टैट को अच्छे से पढ़ा है, तो ग्रेविटेशन में थोड़ी सी यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाते हैं, बाकी सब सेम रिलेशन यूज होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड इज लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन फोर्स में यहाँ पे क्या हो जाता है, जी आ जाता है, वहां पे 1/4 होता है, बाकी यहाँ पे इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कैपलर के नियम है, बस और कुछ नया नहीं है। तो इसमें कुछ ना कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों को, मुझे लगता है इतना। अगर आपसे कहता है इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, वो कंपेयर करो, तो कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई स्मॉल अपॉन आई लार्ज 2d/3 का होल स्क्वायर ओमेगा अपॉन एम d/3 का होल स्क्वायर ओमेगा, तो यहां से आपका आ जाता है 2, तो मतलब आई जो है स्मॉल है वो उसका 2 times है आई लार्ज। सिमिलर क्वेश्चन में आप काइनेटिक एनर्जी भी कंपेयर कर सकते थे, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कंपेयर किया ही, ओ सॉरी एंगुलर मोमेंटम आई हमने सिंबल लिया है, बट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना, तो आई एम आर स्क्वायर की जगह पुट किया यहाँ पे, 2d/3 क्यों पुट किया, बिकॉज सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस कितना वो मैटर करेगा, राइट, 2d/3 है इसका, d/3 है,
चलो अच्छा एक सवाल और देता हूँ, बढ़िया सब देखें आप उस सवाल को बना पाते हो कि नहीं बनाते। तो आप साथ ही साथ हैं तो इसके वेलोसिटी बता ही देते हैं कि इसके वेलोसिटी क्या होती है। इसके वेलोसिटी मतलब इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, ये डिपेंड करता है अलग प्लेनेट टू प्लेनेट कि अगर आप अपनी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलना चाहते हो तो कितनी वेलोसिटी से आपको पार्टिकल को भेजना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे कैसे लिखोगे द मिनिमम वेलोसिटी, टू टेक अ पार्टिकल इन्फिनिटली अवे फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ सरफेस, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पर अर्थ सरफेस। आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यूज कर सकते हो, हाफ एम बी स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, यहाँ से एम से एम कैंसिल तो बी स्केप क्या आता है अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, दिस इज नोन एज स्केप वेलोसिटी, दिस इज नोन एज व्हाट स्केप वेलोसिटी। और अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर, अगर आप स्मॉल जी के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो। हमेशा ध्यान रखना एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे इंडिपेंडेंट है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इस एंगल पे फेंकेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, इससे फेंकेंगे तो कम हो जाएगा, ऐसे फेंकेंगे तो नहीं। एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे ध्यान रखें, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, किस पे, एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ मास। और ये मास क्या है, प्लैनेट का मास है, बॉडी का नहीं है, मास ऑफ प्लैनेट है, ध्यान रखना, पता लगे क्वेश्चन आ जाए बॉडी के मास पे बेटा ये इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना। और ये इसके वेलोसिटी जो है थीटा पे भी इंडिपेंडेंट, ये भी ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राइट, तो ये आपका आज का लेक्चर था, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ के पढ़ना तो आप पढ़ लीजिए, बैच स्टार्ट हो चुका, बाकी ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये सब फ्री में अवेलेबल है, वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज है हमारे ये टॉपर्स हैं सीयूट पीजी के, आईटी जैम के, आप भी इन्हीं टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो, आपका भी फोटो यहाँ पे आ सकता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मेहनत करते हो, गाइडेंस में पढ़ाई करते हो, तो आप लोग भी इनकी तरह अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अच्छी रैंक के साथ। बट डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, मेहनत आपको दिखानी पड़ेगी, रास्ता हमारा रहेगा, डायरेक्शन हमारी रहेगी, बस मेहनत आपको करना पड़ेगा, चलना आपको उस रास्ते पे पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका आज का कैपलर लॉ का लेक्चर। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सारी चीजें क्लियर हैं, कि आपको समझ में आया लेक्चर, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई दिक्कत बोलिए। ठीक है, फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पे बाइंड करेंगे। थैंक यू।
15 मिनट 6 बजे है ना, 6 बजे हमारा बी एस पल निकल गया। Well, it's expensive.